तो बिजनेस लॉ ओरिएंटेशन आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो एजेंडा है, दैट इज सबसे पहले हम लोगों ने अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना। हमने देखना है कि इस पेपर में मसले मसाइल क्या क्या है, क्यों बच्चा फेल होता है, क्या रीजंस फॉर फेलियर है। क्योंकि अगर हम ये रीजंस आज पता चल गए तो हम लोग अगले 6 महीने में काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन होके चलेंगे और उन तमाम चीजों को अवॉइड कर रहे होंगे जो कि फेलियर का बायस बनती हैं। तो इश्यूज के ऊपर बात हम लोगों ने बहुत तसल्ली बख्श करनी है आज। देन वी टॉक अबाउट कि हम लोगों ने बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी। बहुत सारे बच्चे सेशन के एंड तक परेशान रहते हैं कि सर किताब कौन सी पकड़े, आईकेप की बुक यूज करें, आपकी बुक यूज करें, किसी के नोट्स यूज करें, किसी का लिखा हुआ यूज करें, किसी एक्स कॉलेज के बुक्स ले लें, वाई कॉलेज की बुक ले लें, पढ़ें क्या। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने आज बात करनी है। पेपर का पैटर्न क्या है और क्या किसी तरह से कोई चेंज आई है या नहीं आई, इसके ऊपर भी हम लोगों ने आज चीजों को डिस्कस करना है। सिलेबस आउटलाइन क्या है, सिलेबस आउटलाइन क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं, बात हमारी होगी। पास्ट पेपर को एनालाइज करेंगे, एक एक चीज देखेंगे कि कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, आईकैप का ट्रेंड क्या चल रहा है। एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द कीज टू सक्सेस, कैसे हम लोग कामयाबी की तरफ मजीद जा सकते हैं, कैसे हम लोग ये पेपर पास कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा इस पेपर को पास करने के लिए। तो हम लोगों ने इश्यू से कहानी को स्टार्ट करना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। तो जब हम लोग इस ओरिएंटेशन को, इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एंड कर रहे होंगे तो हम लोगों ने अपनी परेशानियों से सीख के सक्सेस की तरफ लाजमी आ जाना। विद दैट बीइंग सेड, आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एजेंडा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज। सर चार मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से बच्चा इस पेपर में सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता। चार मेजर इश्यूज हैं। नंबर वन, बहुत सारे बच्चे पीआरसी से अभी भी ट्रेवल करके आए हैं और पीआरसी से हो, एएफसी बैकग्राउंड से हो, बच्चों में उतनी भूख डेवलप नहीं होती फॉर थ्योरेटिकल पेपर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एमसीक्यूज पकड़ लेते हैं, एमसीक्यू टाइप पेपर है ना वहां पे, कि भाई 50 एमसीक्यू है, 2 नंबर का एक एमसीक्यू है, 25 ठीक हो गए, कहानी प्रॉपर पास, कम तैयारी के साथ भी गुजारा चल जाता है। और हमारा जो माइंडसेट बना होता है वो बहुत खराब बना होता है। तो जो सबसे पहला धचका लगता है ना बच्चे को जब वो पीआरसी से कैफ में ट्रेवल करता है, वो यही है कि वो उसको उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ सोचकर आता है कि नहीं यार कहानी तो आसान थी, अब कहानी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल स्टेज में दाखिल होने वाली है। तो आपने इसको पीआरसी की तरह या एएफसी की तरह इजी गेम नहीं समझना, आपने उसको यू अंडरस्टैंड नहीं करना कि भाई ये तो बस आराम से टैकल कर लेंगे, आखिरी महीनों में तैयारी कर लेंगे, किताब को 2-4 दफा पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगी। नहीं, ये पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। ऑल्दो आई के आपने टच दिया है एमसीक्यू का, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं एंड 85 मार्क्स का यहाँ पे हमें थ्योरी देखने को मिलती है। तो यस, टच ऑफ एमसीक्यूज है मगर 15, और ये 15 एमसीक्यूज भी आई कैप लॉजिकल पूछ रहा है आजकल, रटे वाले एमसीक्यूज बहुत कम उसने कर दिए। तो आपने पीआरसी की तरह इसको ज्यादा आसान लेके नहीं चलना, ये नहीं समझना कि जैसे वो कर लिया था वैसे ये कर लेंगे, नहीं। इसके लिए आपको डे वन से एफर्ट चाहिए, और ना सिर्फ इस पेपर के लिए बल्कि होपफुली जो आपने कॉम्बिनेशन पिक किए होंगे उसके अंदर FAR 1 होगा, उसके साथ टैक्स होगा। तो FAR 1 की भी अच्छी नॉलेज आपको चाहिए, इंट्रो से वो नॉलेज ट्रेवल करेगी, और टैक्स एक बिल्कुल ही नया पेपर होगा आपके लिए। बिजनेस लॉ के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ बातें जो आपने बिजनेस में स्टडी की थी, थोड़ी सी बातें हैं,
वो यहाँ पे एक दफा हम रिकॉल करेंगे और फिर कहानी को आगे लेके चलेंगे। तो इतना कुछ पीआरसी से कॉन्सेप्ट वाइज ट्रैवल नहीं करेगा। आई टू बी एक सेपरेट पेपर है, बिजनेस लॉ एक सेपरेट पेपर है। कुछ चीजें बहुत ही कम चीजें ट्रांसफर होंगी, लाइक चैप्टर नंबर 2 में जहां पे आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा था, जहां पे आप लोगों ने सोल ट्रेडर पढ़ा था, बस वही बात यहां तक रहेगी और इससे आगे हम लोगों ने कुछ नहीं वहां से पिछला रिकॉल करना। मगर आप देखेंगे FAR 1 के अंदर आपको इंट्रो की नॉलेज बहुत हद तक काम आ रही होगी और टेक्स्ट तो बिल्कुल ही नया पेपर आपके लिए एज सो कॉस्ट। तो ये एक इशू है कि बच्चा पीआरसी की तरह इसको बहुत आसान लेके चलता है। तो आपने सबसे पहले अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना है कि अब आप बड़े हो गए और अब आप माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं कि अब आपको चाहिए कि लिख के तैयारी करें। यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको लिखना पड़ेगा, लिख लिख के तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर ये पेपर निखरता है। क्योंकि इस पेपर में आप लोगों ने ड्राफ्टिंग करनी है, सवालों के जवाब राइट डाउन करने हैं, कागज पे उतारने, और कागज पे उतारने के लिए सोच के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए। तो जो एमसीक्यूज का सफर था अब हम लोगों ने कागज पर लाके उसको खत्म कर लिया। देन बच्चा कहता है कि सर क्लासेस ली है, समझ आ गई है, मगर रिटेन नहीं हो पा रहा, दिमाग में नहीं बैठ पा रहा, मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज नहीं कर पा रहा, बताएं मैं कैसे उसको मैनेज करूं। तो उसको यही कहा जाता है कि भाई फॉर बेटर रिटेंशन, मैं यहां लिख देता हूं कि फॉर बेटर रिटेंशन आपको चाहिए कि आप चीजों को अगेन लिख के याद करो, राइट इट डाउन। अपना लिखा हुआ ना, अपना लिखा हुआ बहुत जल्दी याद हो जाता है और देर तक याद जाता है। अपनी लगाई हुई एक लाइन भी हमें काफी टाइम तक याद रहेगी कि यार ये लाइन मैंने क्यों लगाई थी, उस दिन ऐसा क्या हुआ होगा जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। वो चीजें रिकॉल, मेमोरी आपका जो जो मेमोरी है वो बहुत जल्दी इसको रिकॉल करती है आपके पास्ट को। तो रिटेंशन के लिए जितना हम लोगों ने क्लास में पढ़ना है आपने उसको एक सादे रजिस्टर के ऊपर डेली बेस पे उतना लिखना है और उस लिखे हुए से याद करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि सर ये पेपर क्रैमिंग है, तो ये पेपर क्रैमिंग नहीं, ये लॉजिकल है प्लस क्रैमिंग। एक अच्छी सफिशिएंट वेटेज क्रैमिंग की IKF टेस्ट करता है अराउंड 40% के करीब, मगर 60% का लॉजिक भी होता है। और बहुत सारे बच्चों को क्रैमिंग याद करने में मसला आता है, वो लॉजिक में अच्छे होते हैं तो कुछ इसके रिवर्स भी होते हैं। तो आपने हमेशा इसको ब्लेंड करके चलना है, एक अच्छी क्रैमिंग भी करनी है और अच्छी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी हर वक्त होनी चाहिए। IKF के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है बच्चा नहीं जानता, तो उसके लिए हम लोगों ने क्लास के अंदर काफी ज्यादा ड्राफ्टिंग किए ऊपर बात करेंगे। हम लोग सवालों को क्लास के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे, देखेंगे कि IKF की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको प्रेजेंट कैसे करना चाहिए था, पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। तो एक फॉर्मूला होता है LED, क्लास में बताऊंगा कि LED का मतलब क्या होता है। देन शॉर्टकट्स, सिलेक्टिव स्टडी। अनफॉर्चुनेटली फेसबुक के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स काम करते हैं, चांद सितारा ग्रुप, मुर्शद ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, जिसमें बहुत सारी फजूलियां चल रही होती हैं। कोई भी बच्चा एकदम से आएगा बोलेगा कि सर जी वो बिजनेस लॉ का ये एक चीज बता दें, तो जनाब लाइन से ये 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स तैयार कर लो, पेपर तुम्हारा डन है। और भाई ऐसे नहीं होता, आप एग्जामिनर नहीं है। और मैं आपको बता दूं 18 चैप्टर्स है आपके कोर्स में, 18 चैप्टर्स, जिसमें से 15-16 तो वो लाजमी हर पेपर में टेस्ट करता है। अभी मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। 18 में से कम 15-16 चैप्टर्स वो हर अटेम्प्ट में टेस्ट कर रहा है। तो आप जिस सदी की बात करें ना कि 5 चैप्टर्स याद कर लो, 4 याद कर लो, 6 याद कर लो, वो पहले कभी किसी टाइम में हुआ करता था जब इतने कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, मगर अब उसके पास मार्जिन ज्यादा है, अब वो आपसे ज्यादा चीजें पूछ सकता है और वो पूछेगा भी। तो ये हमारे 4 मेन इश्यूज हैं जिनको हम लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स टैकल करना है। नंबर 1 कि हमने इसको इजी गेम नहीं समझना, ये कौन टैकल करेगा, ये आप लोग टैकल करेंगे, इट इज ऑन यू, इट इज ऑन यू।
रिटेंशन को कैसे सही करना है, मैंने आपको बताया कि आपने उसको लिख लिख के याद करना है। आईटीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ये मैं आपको क्लास के अंदर जब हम लोग पास सिलेबस की प्रैक्टिस करेंगे तो बताऊंगा। अच्छा, एनी गेस कि हम लोग पास सिलेबस की प्रैक्टिस कब से कब तक करेंगे, किस साल से हमें शुरू करनी चाहिए? एनी गेस आप मुझे चैट में आके बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि हमें किस साल से पॉसिबल की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए? दो हजार इक्कीस की स्कीम के बाद? अच्छा, लास्ट मंथ, बस लास्ट मंथ? नहीं, मेरा सवाल ये है कि हमें कौन से साल से सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक भाई ने कहा 2021 की स्कीम के बाद। चले, लेट मी क्लियर यू आउट। हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ऑटम 2009 से स्प्रिंग 2024 तक। ऑटम 2009 से स्प्रिंग 2024 तक जितने रेलेवेंट सवाल है, जितने अभी तक आपके कोर्स के अंदर रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे कवर होंगे। तो ऑटम 2009 से ऑटम 2023 तक के सवाल हम लोग क्लास में करेंगे, और जो स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट है, जो स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट होगी, उसको हम लोग अलग से एक सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, उसको एज अ मॉक पेपर हम लोग लेके चलेंगे, और उसके बाद आपका मॉक भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो सर, ऑटम 2009 से ऑटम 2023, क्या इतनी प्रैक्टिस बहुत है? सर, काउंट करेंगे कितने साल बनते हैं ऑटम 9 से ऑटम 23 तक? जी, कितने साल बन रहे हैं ऑटम 9 से ऑटम 23 तक? हाउ मेनी इयर्स? जरा काउंट कीजिए, काउंट कर लेते हैं। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14 साल। तो 14 सालों में कितनी अटेम्प्ट्स होंगी? इन 14 अटेम्प्ट्स कितने सवाल होंगे, सॉरी, इन 14 इयर्स कितनी अटेम्प्ट्स होंगी? हर साल में दो होती है ना, 28 अटेम्प्ट्स। और एक जो रिसेंट पेपर आया, उसको अलग से करना है, तो 29 अटेम्प्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। 29 अटेम्प्ट्स। तो अगर आप मेरे पास आए हैं, तो आई विल मेक श्योर कि जब आपकी क्लास चल रही हो और जब आप लोग क्लास से बाहर जाएं, तो आपका कॉन्सेप्ट, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारा आप लोगों ने ग्रास्प किया हो। ड्यूरिंग द कोर्स आई विल बी गाइडिंग यू कि भाई ये रट्टा आना है, ये रट्टे के तौर पर याद करना, इसमें लॉजिक नहीं ढूंढनी, और जो लॉजिकल पोर्शन है उसको रट्टा नहीं लगाना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना रट्टे को भी कंफ्यूज कर देते हैं। रट्टे का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल किताब की वर्डिंग को पकड़ के टिप्स कर रहे हो, दिस इज नॉट रट्टा। रट्टा इज कि आपको अगर एक चीज आती है, आप अगर उस चीज को अलग से लिख सकते हैं तो आप लिखें, बशर्ते कि वो डेफिनेशन ना हो, बशर्ते कि वो डेफिनेशन नहीं। तो डेफिनेशंस को क्रैम नहीं करना, सॉरी, डेफिनेशंस को क्रैम करना है, उसके अलावा किसी भी चीज को रट्टे की नजर से आपने हिफज करने नहीं बैठ जाना, आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो 28 अटेम्प्ट्स प्लस स्प्रिंग 24, 29 अटेम्प्ट्स, 14.5 साल, क्योंकि 15वां साल तो आपका होगा, तो 14
5.5 ईयर्स को हम लोग देख रहे होंगे विदाउट एनी शॉर्टकट्स। तो ये तो अब आपने अपने दिमाग से निकाल देना है कि कोई शॉर्टकट की स्ट्रेटेजी भी होती है। देर इज नो शॉर्टकट इन स्टडीज, और स्पेसिफिकली सीए में तो कुछ भी नहीं, शॉर्टकट है ही ना, होने के बराबर है। सर ये है आपकी सिलेबस आउटलाइन। अक्सर बच्चों को पूरा सेशन गुजर जाता है, यही नहीं पता होता कि उनके कोर्स में ग्रेड्स कितनी हो, यही नहीं पता होता कि आईकैप ने कहां से कितना पूछना है। आईकैप ने आपको सब कुछ बता दिया कि पेपर कैसा होगा। आईकैप ने कहा कि भाई चार ग्रेड्स हैं, ए बी सी और डी। ग्रेड ए में है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, मैं पूछूंगा 5 से 8 नंबर के लिए। ग्रेड बी में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स, मैं पूछूंगा 20 से 25 नंबर के लिए। ग्रेड सी में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परफॉर्मेंस वाले एरियाज, मैं पूछूंगा 25 से 30 नंबर के लिए। और ग्रेड डी में है अदर बिजनेस लॉस, मैं पूछूंगा 35 से 52 नंबर के लिए। यानी कि आप ये समझ लें कि अराउंड 60% ऑफ द पेपर यहां से आपको मिलता है, एंड ऑन एवरेज 40% ऑफ द पेपर आपको यहां से मिलता है। ये परसेंटेज वेरी कर सकती है 5-10% से, मगर मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं कि 60% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द अपर थ्री ग्रेड्स, और जो आखिरी ग्रेड है वहां से आपको 40% ऑफ द पेपर मिल जाता है। अगर मैं इसको मजीद ड्रिल डाउन करूं तो जो ग्रेड ए है ना आपकी, ये ग्रेड ए इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, हमने कहा था 5 से 8। मजे की बात ये है कि इस पूरी ग्रेड से मुराद है एक सिंगल अकलौता चैप्टर। यानी कि जो आपका चैप्टर 1 है, विच इज इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, यहां से आई के आपने मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 नंबर टेस्ट करने, एक सिंगल चैप्टर, जस्ट वन चैप्टर। कुल मिला के ना हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर में, जिसमें से पहला चैप्टर 5 से 8। और मजे की बात यह है कि ये सारा चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये बड़ी खूबसूरती है इस कोर्स की। फिर आपको डे वन में पता है कि कौन सा चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन से चैप्टर से लॉजिक आ गई। तो चैप्टर 1 इज प्योर 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सारी बातें ना आपने थ्रू आउट द सेशन अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप प्लानिंग करें, जब भी आप बैठें, जब भी आप कोर्स को देखें, जब भी आप कुछ चैप्टर तैयार कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो चैप्टर किस नजरिए से तैयार कर रहे हैं, उस चैप्टर की अपनी अहमियत क्या है। देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स। अच्छा, आपके कोर्स का ना, अगर मैं आपके कोर्स को डिवाइड करूं इनटू कंटेंट्स, ग्रिड नहीं इनटू कंटेंट, तो हमारे पास 5 कंटेंट्स बनते हैं, 5 कॉन्टेंट्स बनते हैं। एक है लीगल सिस्टम जो कि चैप्टर 1 कवर करता है, फिर एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि चैप्टर 2 से कहानी को शुरू करता है और चैप्टर 10 तक चलता है। तो चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक हम लोगों ने पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 5 तक आपकी ग्रेड बी है, और प्यारे बच्चों चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 10 तक आपकी ग्रेड सी है। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो ग्रेड बी में आई के आपने कहा 20 से 25 चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चैप्टर तैयार करो, मिनिमम 20 मैक्सिमम 25 नंबर ले लो। और यहां से वो मिक्स पूछता है, यानी कि कभी वो यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी टेस्ट कर सकता है, और जनाब वो यहां से
लॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकता है। तो यहां से उसने दोनों एस्पेक्ट्स अपने कवर कर लिए, मगर चैप्टर वन आपका प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। इसी तरह जो आपका अगला एरिया है ग्रेड सी, हमने कहा था ना कि चैप्टर टू से लेके चैप्टर फाइव तक ऊपर आ जाएगा, और चैप्टर नंबर सिक्स से लेके चैप्टर नंबर 10 तक ये आपकी ग्रिड सी बन जाती है। अगेन यहां से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस लॉजिकल, दोनों एस्पेक्ट वो यहां से भी कवर कर रहा होता। चैप्टर नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो टेक्निकली बी एंड ग्रिड सी ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जब मैं ग्रेड डी में जाता हूं जिसमें मिनिमम 35 है मैक्सिमम 52 है, तो सर यहां पे आपको तीन बड़े एरियाज देखने को मिल जाते हैं। यहां पे आपको ना तीन बड़े एरियाज देखने को मिल जाते हैं। एक है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है चैप्टर 11 से 13 तक, दिस इज प्योर पार्टनरशिप का एरिया जो आई के आपको बहुत पसंद है। देन चैप्टर 14 एंड 15 ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एरिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एरिया। और उसके बाद है अदर लॉस, यानी कि चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 ये है आपके अदर लॉस। तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं तीन एस्पेक्ट में, एक है पार्टनरशिप, एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और एक है अदर लॉस, अदर बिजनेस लॉस। तो दिस इज पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप में आ गया 11 से 13 तक, नेगोशिएबल में आ गया 14, 15 और अदर लॉस में आ गया 16, 17 एंड 18। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जिस तरह चैप्टर नंबर वन था ना प्योर रटा, तो 16, 17, 18 ये भी प्योर क्रैमिंग है, ये प्योर क्रैमिंग। और एक और मजे की बात सुन ले, इन चारों चैप्टर से मिला के कम 20 नंबर का पेपर टेस्ट होता है। यानी कि आज हमें पता है, आज डे वन पे ओरिएंटेशन पे हमें पता है कि कहां से कितना और कैसा पेपर बन गया, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम की प्रिडिक्शन 94% वैलिड थी मेरी, जो हमारा मॉक हुआ था उसमें से कोई 50+% चीजें आईकैप में एग्जैक्ट वो एरियाज टेस्ट हुए थे। तो आज बैठ के अगर मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है तो मैं इस डाटा को यूज करके कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि पेपर आपका इस तरीके से बन पाएगा, या पेपर में ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है और कैसा आ सकता है, वी नो वी नो। तो भाई थोड़ा सा अगर आप साथ देंगे ना तो आप बहुत प्यारे तरीके से ना इस कोर्स को कवर करेंगे बल्कि तमाम एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट CMADZ हम लोग ये कोर्स 2.5 दफा कंप्लीट करेंगे, 2.5 टाइम्स। ये नहीं है कि ये कोर्स बस आज से स्टार्ट हो गया और ये एग्जाम तक चलेगा, नहीं, ये कोर्स 2.5 टाइम्स कवर होगा। यानी कि होगा ये कि प्री बैच स्टार्ट होगा और हम लोग शुरू करेंगे कल से कॉन्ट्रैक्ट एंड, जब रिजल्ट आएगा तो हमें पोस्ट के बच्चे ज्वाइन करेंगे, पोस्ट वाले ज्वाइन करेंगे फ्रॉम पार्टनरशिप, वो कहानी शुरू होगी। फिर जब उनका खत्म हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा से रिवाइज होगा, तो वो रिवाइज हो रहा होगा पोस्ट वालों के लिए और फायदा मिल जाएगा प्री वालों को फिर से। और फिर जब फास्ट ट्रैक आएगा तो हम इसको अगेन 1 टाइम रिपीट कर रहे होंगे, तो 2.5 दफा ये कोर्स कवर होना है, 2.5 दफा ये कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
जी। और एग्जाम तक आप लोग इतने पक्के हो चुके होंगे ना इस कोर्स को लेके कि भाई आपने तो फर्स्ट पर छलांगे मारनी कि सर ने हमें सब कुछ कवर करा दिया, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं और आप पे कोई चीज डालूंगा भी नहीं। अच्छा ये बताइए कितने टेस्ट हमारे होने चाहिए थ्रू आउट द सेशन, हाउ मेनी टेस्ट आपको लगता है कि हमारे कंडक्ट होने चाहिए? लेट मी गिव यू सम ऑप्शंस, 15, 25, 30, 40, कितने होने चाहिए? क्या लगता है आपको? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कितने टेस्ट हम लोगों को एट अ मिनिमम, 30 मैक्सिमम 40, तो 30 से 40 के अंदर हम लोग रहेंगे। एंड आपको मैं अभी बता देता हूं, सैटरडे Saturday will be our test day. Saturday will be our test day. उस दिन अगर कोई क्लास करनी पड़ी तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज सैटरडे को आई विल मेक श्योर कि हमारी फिजिकली या जूम के ऊपर कोई क्लास ना हो। तो सैटरडे कैन बी अ प्योर टेस्ट डे, बहुत जरूरत पड़ने पे हम हफ्ता ऑन किया करेंगे, मगर नॉर्मली हफ्ते को हमारा टेस्ट हुआ करेगा और हर टेस्ट मिनिमम 30 नंबर का होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि 30 से कम का अगर मैं कोई टेस्ट प्लान करूंगा तो वो मजाक है, इस लेवल के ऊपर आके वो शुगर है, वो नहीं करेंगे। हर टेस्ट 30 और 30 से ऊपर का होगा और आईकैप के पेपर पैटर्न के मुताबिक बनेगा। सर पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात कर लें तो 100 नंबर का पेपर है, आईकैप ने ये कहा है कि 100 नंबर के पेपर में आपको एमसीक्यूज भी आएंगे और इसके अंदर ना आपको क्वेश्चंस जो थ्योरी है वो भी पूछी जाएगी। फिर आईकैप ने हमने मजीद क्लियर किया, आईकैप ने कहा 15% यानी कि 100 में से 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 85 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलेगी। फिर आईकैप ने ना एक जगह पे एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये है कि 60% लॉजिकल 40% का, ये छुपी हुई लाइन है, 60% लॉजिकल 40% क्रम। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का अगर 60-40 बनाऊं, जरा बनाइएगा, 85 का 60% और 85 का 40%, और नीचे बनाइएगा 15 का 60%, 15 का 40%, जरा बना के बताइएगा मुझे आंसर क्या आता है। बट 85 का बना लें, 85 का 60 और 85 का 40 बताइएगा। जी एट्टी फाइव का 60 और 85 का 40, मैं भी आपके साथ निकाल लेता हूं। एट्टी फाइव का 60 इज 51, 51 एंड देन वी हैव 34 और यहां पे 15 सिक्स आर 9 और नीचे 6। अब एक काम करें, अब जरा गौर से एक ट्रेंड देखिएगा, 51% ऑफ द पेपर इज लॉजिकल, 51 मार्क्स लॉजिकल हैं 85 में से। इसका मतलब है कि आधा पेपर तो लॉजिक से ही भरा होगा और 34 नंबर एट अ मिनिमम वो आपसे क्रैमिंग टेस्ट करेगा, एमसीक्यूज भी 9 नंबर के तो करीब लॉजिकल पूछेगा और नीचे 6 नंबर के लिए वो क्रैमिंग टेस्ट करेगा यानी कि बुक की लाइंस को पूछ रहा होगा। इसका मतलब है कि हम लोग तो ना तो प्योर रट्टे से पास हो सकते हैं और ना ही हम लोग प्योर लॉजिक से पास हो सकते हैं, तो हमें इसका ब्लेंड करना है। प्लस
राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और वो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अगर मैं ऑटम 2009 से पास पेपर्स करवा रहा हूं ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग उसको लिखें भी, क्योंकि जब तक आप उसको राइट डाउन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको कागज पर लेकर नहीं आएंगे, तो कहानी कभी भी सही नहीं बन पाएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, और मैं आपसे लिखवाऊंगा। मुझे आपसे ना सिर्फ तीन चीजें चाहिए, जस्ट थ्री थिंग्स। पहली मुझे आपसे चाहिए नियत। क्या आप लोग नियत करते हैं कि आप लोगों ने पेपर पास करना? क्योंकि अगर आपकी नियत स्ट्रांग है, तो फिर कहानी में बहुत अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, एक अच्छी स्ट्रांग नियत वाला इंसान किसी चीज को, किसी भी मुश्किल को टैकल कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। तो आपकी नीयत मुझे सबसे पहले चाहिए होगी। तो क्या आप नीयत मेरे साथ खड़े हैं? जी, क्या आप लोग नीयत मेरे साथ खड़े हैं? बताइए चैट बॉक्स के अंदर, यस लिख के बता दें, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं है, तो आप लोग की शक्ल तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो चैट बॉक्स ही हमारा मेन टूल होगा फॉर फीडबैक। तो नियत मुझे आपसे चाहिए। एक दफा हाथ खड़ा करके ना नियत कर लें कि सर, अगर हम आपके साथ जुड़े हैं, तो हमने आपके साथ ही रहना है और आपके साथ ही प्लग के पेपर पास करना है, क्योंकि मैं डिटरमिन्ड हूं। हमारे कोर्स में छुट्टी नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस जरूरत पड़ने पे अगर हुई तो वो हफ्ते को होंगी, जो कि नॉर्मली नहीं होंगी, क्योंकि मैंने ना पूरा प्लान सेट किया होता है कि किस दिन मैंने क्या करवाना है, ये एकदम से रैंडमली नहीं होता। और दूसरी चीज मुझे आपसे चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट मेहनत करनी। ये नहीं करना कि पूरा वीक पढ़ लिया, जरा हफ्ते को क्लास कोई नहीं, हफ्ते को रिवाइज करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। एक दिन बैठ के पिछला 5 दिन को रिवाइज करने से बेहतर है कि आप हर दिन को अगर आधा घंटा भी दे देना, तो आप अपने लिए सैटरडे बचा सकते हैं। और मैं कोशिश ये करूंगा कि जितना हम लोग फुल वीक में पढ़ा होगा, उसकी ना एक क्विक समराइज्ड वीडियो अलग से अपलोड कर दूं, जो कि फुल वीक का एक रीकैप दे रही होगी 1 घंटे के अंदर। तो एक समराइज्ड वीडियोस का कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊंगा हर वीक के एंड के ऊपर, सैटरडे पे। जिस दिन क्लास नहीं होगी आपकी, तो वो मैं फुल वीक जो जो कुछ पढ़ाना, उसका एक फास्ट रिकैप उसमें डाल के आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, ताकि अगर आपने फुल वीक पे रिवाइज करना है, तो रादर देन के आप हर हर वीडियो को खोल के देखें, आप उस एक सिंगल वीडियो से काम चला सके। तो ये भी मेरे प्लान में है इस दफा, और आई विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस ऑल्सो इनशाला। और जो मुझे आपसे तीसरी चीज चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेशन। मुझे आपसे इंटेंशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए। हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, वो आप लोगों ने करना। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, उनके लिए हार्ड वर्क है। कुछ बच्चे जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, उनके लिए स्मार्ट वर्क है। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि किसको स्मार्ट वर्क देना है, किसको हार्ड वर्क देना है, मगर डिटर्मिनेशन तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा अगर डिटर्मिंड है, अगर वो कंसिस्टेंट है, और अगर वो इंटेंशन रखता है, तो ये पेपर पास कर सकता है, कोई मसले वाली बात हमें मजीद नहीं देखने को मिलेगी। सर, इसी बहाने जरा एनालिसिस करते हैं पास्ट पेपर्स का। अच्छा, सन 2022 से पहले, यानी कि 21 की ऑटम अटेम्प्ट तक, ये पेपर कंबाइन हुआ करता था विद कंपनी लॉ, और बहुत सारे चैप्टर्स इसमें नहीं हुआ करते थे। तो जब से ये टूटा, आईकैप ने कुछ चैप्टर्स को रीवैम्प कर दिया, कुछ में चीजें कम कर दी, कुछ को मजीद कम कर दिया, और कुछ नए एरियाज को ऐड कर दिया। तो जो हमारे पास ट्रेंड है, जो वैलिड ट्रेंड है, वो सन 2022 से ऑनवर्ड्स का है। यहां से ऑनवर्ड्स ये ग्रिड आई थी 4 वाली। तो आईकैप ने कहा था, याद है, 5 से 8 पूछूंगा,
ग्रिड ए में से 5 से 8 ऑन एवरेज आई कैप ने अभी तक 6% पेपर पूछा है रिसेंट अटेम्प्ट को डाल के, यानी कि हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट। रिसेंटली आई कैप ने 5 नंबर का पेपर पूछा मिनिमम साइड पे रहा। फिर आई कैप ने कहा था ग्रेड बी 20 से 25, मैंने आपसे कहा था 4 चैप्टर्स हैं 2 3 4 5 देख लें 2 3 4 5। आई कैप ने कहा था 20 से 25, तो सर अभी तक ऑन एवरेज 24% है, 23 24 25 20 25। ग्रेड सी आई कैप ने कहा था 25 से 30, ऑन एवरेज पूरा पूरा 30 पर खड़ा हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग वो फॉलो करता है 31 31 29 29 और 36। तो यहां पे वो हमेशा मैक्सिमम साइड पे रहता है। देन आपसे मैंने कहा था कि ग्रेड डी में 3 एरिया है, याद है, पार्टनरशिप के 3 चैप्टर्स हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के 2 चैप्टर्स हैं और अदर बिजनेस लॉस में 3 चैप्टर्स हैं। तो ये देखिए ऑन एवरेज 20 नंबर पेपर का 20% पार्टनरशिप से भरा होता है, कोई 8 से 10% नेगोशिएबल पूछता है और कोई 13 नंबर के आसपास वो अदर लॉस पूछ रहा है। अब जरा ऐड कीजिएगा, ये 13 नंबर ऑन एवरेज, ये 13 नंबर क्रैमिंग वाले और यहां से एवरेज 6 की थी, ये 6 नंबर क्रैमिंग वाले, तो ये 4 चैप्टर्स तो है ही क्रैमिंग, तो 13 प्लस 6 19 क्लोज टू 20, वही बात हो गई कि हमें आज बैठे पता है कि 20 नंबर का इन 4 चैप्टर्स में से रट्टा आना है, फॉर श्योर आना है, ये हम आज बैठे बता सकते हैं। और क्रैमिंग वाले सिर्फ ये चैप्टर्स नहीं है, 15 भी क्रैमिंग है, 11 भी क्रैमिंग है, 8 भी क्रैमिंग है, 10 भी क्रैमिंग है, ऊपर से 5 भी कुछ हद तक क्रैमिंग है, 2 3 में से भी क्रैमिंग टेस्ट कर सकता है, क्रैमिंग तो वो कहीं से भी डस्ट कर सकता। तो ये ग्रिड, ये एनालिसिस बनाने में जितना टाइम लगता है, ये चीज काम की होती है कि बच्चे को कुछ आउटपुट दे सके, और इसमें हमने रीसेंट स्प्रिंग 24 को ऐड किया है। इसमें जो रीसेंट स्प्रिंग 24 है उसको ऐड करके हमने ये ट्रेंड बनाया। तो अगर आप साथ हैं, डिटरमिंट है, कंसिस्टेंट है, तो भाई वी कैन अचीव वंडर्स। और घंटा बहुत होता है थ्योरी में, अब देख रहे हैं घंटा खत्म ही नहीं हो रहा, मैं पिछले 40 मिनट से 50 मिनट से बोल रहा हूँ मगर अभी तक कंटेंट चल रहा है और आपको बात समझ आ रही है। अच्छा, ये सारी स्लाइड्स ना आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी, एक नॉलेज बैंक है जी ड्राइव का फोल्डर, वो अगर आप एनरोल्ड हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, और अगर आप एनरोल्ड नहीं है तो काइंडली मुझे आपने इस क्लास के बाद व्हाट्सएप करना है, तो मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा वो लिंक। फर्स्ट वीक की जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी अवेलेबल हैं फॉर ऑल, और उसके बाद जो है वो फिर हम एनरोल्ड बच्चों के साथ ही कहानी को आगे लेके चल रहे हो। सर अगर तो पास होना है तो आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी, अपना नोटिंग करनी, अपने माइंड मैप्स बनाने, क्वेश्चंस पूछ लेने, सोने से पहले आपके माइंड में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, देर शुड बी नो कंफ्यूजन्स, वीकली टेस्टिंग करनी है, वीकली असाइनमेंट सॉल्व करनी है, एनालाइज करना है खुद को कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, अपने वीकनेस के ऊपर काम करना है। बच्चों की मेन वीकनेस क्या होती है, उनको लिखना भूल चुका होता है या जो लिखना आता है उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो ड्राफ्टिंग के ऊपर काफी ज्यादा एफर्ट हम भी पुटअप करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी इसके अंदर साथ दें। अगर आपसे मैं एक काम कह रहा हूँ, कोई होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, कोई असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने वो करनी है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग अक्सर भूल जाते हैं ड्राफ्टिंग को डिस्कस करते करते, वो है एमसीक्यूज। हम लोग भूल जाते हैं कि 50 नंबर हासिल करने हैं हमें, तो 15 तो एमसीक्यूज ही है,
तो अगर मैं 50 में से 15 के 15 एमसीक्यूज ठीक कर लूं तो मुझे अगले 85 में से सिर्फ 35 नंबर लेने, 50% से भी कम लेने। मगर ये कब होगा? जब मेरे मैक्सिमम एमसीक्यूज ठीक हुए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने एमसीक्यूज के ऊपर अलग से काम करना है। मैं आपको अलग से सिर्फ एमसीक्यूज की असाइनमेंट्स दिया करूंगा। तो हम लोगों ने बहुत काम करना है इस सेशन में। अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो फिर सोच कर आइएगा कि भाई काम करना है। ये ऐसा नहीं होगा कि आप लोग आए हैं बस मुझे सुन रहे हैं और सुन के चले गए। नहीं, हम लोग इसको, मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं जस्ट लाइक अ फिजिकल क्लास, ऑल्दो मैं बात कैमरे से कर रहा हूँ, मगर आई विल बी अज्यूमिंग और आप मुझे फीडबैक देंगे इन चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे उस फीडबैक से ही अपनी स्टोरी को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमारे बीच में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो मुझे आपका क्लास के बाहर सिर्फ 1 घंटा चाहिए, कभी 1.5 घंटा भी नहीं मांगूंगा, कभी 1 घंटा 5 मिनट भी नहीं मांगूंगा, क्लास के बाहर सिर्फ 1 घंटा दे दो। जितना क्लास में किया है उसको रिवाइज कर दे, मगर जब रिवाइज करने बैठे हैं तो ये जो शैतान है ना, मोबाइल शैतान, ये मोबाइल शैतान आपका बंद होना चाहिए। ये अगर बंद पड़ा हुआ है, साइड पर पड़ा हुआ है, किसी कोने में आपने उसको फेंका हुआ है, तब तो आप अपनी पढ़ाई को बड़ा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जरूरी है। तो सर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं नीचे पर नंबर मेंशन कर देता हूँ, दैट इज 0, दैट इज 0300006726262। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन इन दिस सब्जेक्ट आप बस मुझे व्हाट्सएप कर दें, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूं, क्योंकि क्लासेस होती हैं बैक टू बैक, तो कुछ टाइम पे रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता, बट आई विल कीप ऑन अश्योरिंग कि मैं इसको मिनिमम टाइम में आपको रिप्लाई कर दूं, बट मैक्सिमम 24 आवर्स है। डन। तो आप जरा मुझे बताइए एनी क्वेश्चंस अगर आप लोग पूछना चाहते हैं, आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर यू। जी कोई सवाल, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कंटेंट, रिगार्डिंग सिलेबस कवरेज, रिगार्डिंग टेस्ट, रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग कोई और चीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो चैट में आके मुझे बताइए। सर केस स्टडीज के लिए कोई टिप्स करेंगे? अभी मैंने शायद बीच में एक जुमला बोला हो, LED, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू केस स्टडीज। जब हम लोग पास्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले क्या लिखना है, फिर लाइन कैसे छोड़नी है, फिर अगले 4 लाइनों में क्या लिखना है, फिर अगली 5 लाइनों में क्या लिखना है, आपने केस स्टडी को आंसर कैसे करना है। जो LED है ना, ये बेसिकली एक 3 स्टेप मॉडल है। सर टेस्ट का क्या तरीका होगा? देखिए, अगर आप लोग जूम पे हैं और जूम पे हैं और लाहौर में नहीं है, तो हम आपको व्हाट्सएप के अंदर टेस्ट शेयर किया करेंगे। आपको टेस्ट अपने पास लिखना है, लिख के उसको स्कैन करके फॉरवर्ड कर देना। और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप हमारे जो फिजिकल कैंपस है SBI का, वहां पर आके फिजिकल टेस्ट भी दे सकते हैं। सर वो कौन से यूज करेंगे? हाँ जी, ये पॉइंट हमने थोड़ा सा इतना उसके ऊपर बात नहीं की। बुक देखें, एक है आई कैप की बुक। आई कैप की बुक समझने के लिए बहुत अच्छी है, मगर आई कैप की बुक में एक प्रॉब्लम ये है कि वो ना एकदम से एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, बीच में एकदम से एग्जाम्पल आएगी तो वो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये कॉन्टेंट खत्म कहाँ पे हो रहा है, एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ पे हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने आपके लिए इजी नोट्स बना दिए हैं और वो ही बहुत है। सॉफ्ट फॉर्म के अंदर मैंने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में पूरी किताब अपलोड कर दी है, बिलो मेड इजी। और जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको गालिबन कैंपस वाले किताबें भी ज्वाइन दे रहे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो बुक अगर आप चाहें तो आईकैप की भी यूज कर सकते हैं, बुक अगर आप चाहें तो हमारी भी यूज कर सकते हैं, मगर प्लीज मेक श्योर बुक कोई भी हो उसकी सीक्वेंस खराब ना हो, क्योंकि हम लोगों ने आईकैप के सीक्वेंस के मुताबिक अपनी बुक डेवलप की हुई है। बहुत सारी बुक्स मार्केट में ऐसी हैं जो कि सीक्वेंस को तोड़ देती हैं या मिक्स कर देती हैं, तो उससे बच्चा कंफ्यूज होता है।
तो आई कैप की ही सीक्वेंस में हम लोगों ने चलना है इंशाल्लाह ताला, आई कैप की सीक्वेंस में ही काम होगा। जी सर, मेरे पास व्यू मिली थी कि 12वीं एडिशन है, उसमें कोई चेंज तो नहीं है इस साल? नहीं, कोई चेंज नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 11th या 12th एडिशन अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं। सर पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2? सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहानी को शुरू करना है, कल से हम लोगों ने चैप्टर 2 शुरू कर देना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज थोड़ी सी बेहतर है एज कंपेयर टू अदर पेपर्स, गालिबन 30 से 40 के बीच बीच में होती है, 30 to 40 के बीच में होती है कहीं। मगर ये देखें कि 60 के करीब बच्चा फेल भी तो हो रहा, तो आपने उस 30 40 में आना है, उस 60 70 में नहीं जाना जहां पे फेलियर है। तो ये पेपर आपको बोर नहीं होने देगा, अक्सर थ्योरी के पेपर ना आपको बोर कर देते हैं। इसका जो एक और भाई है सी लॉ, वो काफी बोर करता है, मगर बी लॉ के अंदर ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम लोग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्लास के अंदर ही चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा, चीजें साथ साथ क्लियर होंगी, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। जी ऑल डन, एनी अदर क्वेश्चन? सर बच्चा ज्यादातर किस एरिया में रहता है, ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा कौन सा, कुछ बच्चों की क्रैमिंग वीक होती है, कुछ बच्चों की लॉजिक वीक होती है, कुछ बच्चों का दोनों ही एरियाज वीक होते हैं, या कुछ बच्चे थ्योरी में अच्छे होते हैं एमसीक्यू में फारिग हो जाते हैं, तो वो बच्चे टू बच्चा डिपेंड करता है। जी जिसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे जाएगी, हर वो क्लास जो कि जूम पे होती है इसकी रिकॉर्डिंग विद इन 1 आवर 2 आवर पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं पब्लिकली भी शेयर कर रहा हूँ और गालिबन 4 बजे के आसपास आई विल बी शेयरिंग इट, क्योंकि इसके बाद क्लासेस हैं 4 बजे तक, तो उसके बाद ही मैं अपने एंड से इसको शेयर कर पाऊंगा। सर मेरी ये क्लास CMA क्लास से क्लैश कर रही है, तो उसका कोई सोल्यूशन बता रहे हैं। देखिए अक्सर हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं कि अगर आप PRC से आ रहे हैं तो आप कॉस्ट ना पिक करें, आप R1 टैक्स और बी लॉ पिक करें, और अगर ये क्लास क्लैश में है CMA से तो एक रूल होता है जब भी थ्योरी और अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है ना कि कौन सी ले कौन सी ना ले, तो नॉर्मल रूल ये होता है कि अकाउंटिंग अक्सर टीचर खुद ही स्क्रीन पे लिख रहा होता है, करवा रहा होता है, करवा रहा होता है, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, मगर थ्योरी के अंदर मुझे आपको जगा के, तो मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। तो अगर क्लैश में है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप थ्योरी की क्लासेस ले लें और अकाउंटिंग की रिकॉर्डेड पे चले जाएं, ये एक नॉर्मल रूल है, क्योंकि थ्योरी सुला देती है, और जब आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे और थ्योरी होगी तो आपसे तैयार नहीं हो पाएगी, थ्योरी हमेशा ऑन द गो ही तैयार होती है, अकाउंटिंग चाहे कोई सी भी हो वो रिकॉर्डेड पे आप लिखते जाएंगे अपना काम चलता जाएगा, उसमें इतना कोई मसला नहीं आता, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं, उसमें बस आपने सवालों को भी नोट करना होता है, तो वो सवाल ही जब हो रहे होंगे तो वो इतना कुछ ज्यादा आपको टेंशन नहीं देंगे। सर जो ऑनलाइन में एनरोल्ड हैं क्या उनको लाइव मिलेंगी या जस्ट रिकॉर्डिंग? देखिए बात सुन, लेट मी क्लियर इट आउट, हमारे पास जो मोड्स अवेलेबल हैं और जिस मोड पे आप हैं जूम के मोड, अगर आप लोग CMA के साथ एनरोल्ड हैं और आपने ये कहा है कि हमें 11 से 12 बजे वाली क्लास चाहिए, तो इसमें लाइव भी है और लाइव की ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिस तरह अभी हम लोग लाइव आपस में बात कर रहे हैं कि लाइव क्लास होगी और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल की जाएगी, तो इसकी अलग से कोई रिकॉर्डिंग हम लोग बेचते नहीं है, जो अलग से रिकॉर्डिंग है जो अलग से प्री रिकॉर्डेड है, यानी कि इससे पहले अगर हमने स्टूडियो में बैठ के कुछ कंटेंट को रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है
वो नियर पियर का प्लेटफॉर्म। और अगर आप फिजिकल आना चाहते हैं तो फिर आप SBI में फिजिकली भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बी लॉ की जो ये जो लाइव क्लास चल रही है ना, इसमें फिजिकल का कोई इम्पैक्ट नहीं है। मेरे सामने सिर्फ आप लोग ही हैं, कोई फिजिकल ऑडियंस नहीं बैठी हुई, ये डेडिकेटेड लाइव है। यानी कि मैं सिर्फ आपका ही हूं, मुश्तरका नहीं हूं। तो ये गहना मेरा आपके नाम पे है, इसमें कोई फिजिकल ऑडियंस नहीं बैठी हुई, ना लेफ्ट ना राइट ना साउथ, जस्ट यू एंड मी। टाइमिंग थ्रू आउट द सेशन ये रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 99.99% ये सेम टाइम रहेगा 11 से 12। और पता है बहुत आइडियल टाइम, जुम्मे का भी मसला नहीं होगा, और ये वो टाइम है जहां में बच्चा एक्टिव होता है। जी एनी अदर क्वेश्चंस? डन, तो कल मुलाकात करते हैं विद चैप्टर 2। एंड ये फर्स्ट वीक अवेलेबल है, आप आए, फ्रीक्वेंसी मैच करें, फिर आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।